और सारे पक्षियों को पकड़ के ले जाता। बाबा बड़े चिंतित, शिकारी आता है, दाने डालता है, डाल बिछाता है, पक्षियों को पकड़ के ले जाता है। मन में दर्द होता। एक दिन ने पक्षियों को बुलाया और समझाया, ये शिकारी आता है, दाने डालता है, जाल बिछाता है, सबको पकड़ के ले जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम रट लो तो शिकारी के जाल से बच जाओगे। पक्षी प्रसन्न हो गए, बोले बाबा बताओ मंत्र कौन सा है। तो बाबा इनका रटो, मैं जो कहता हूं कहो। तो पक्षियों ने कहा बोलो बाबा। तो बाबा बोले शिकारी आएगा। तो सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा। तो सबने कहा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। तो सबने कहा जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब दूसरे दिन शिकारी आया, पक्षी चिल्लाए शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा अब दाल नहीं गलने वाली, ये तो समझ गए, निराश हुआ। लेकिन सोचा ट्राई करके देखते हैं। और फिर उसने दाने डाले, जैसे दाने डले पक्षी बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों की तरफ बढ़ने लगे, दानों पर जाकर बैठ गए और बैठे बैठे कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने जाल बिछाया, सारे पक्षी फंस गए। शिकारी जब जाल में उनको ले जा रहा था फंसा के, तो शिकारी के जाल में फंसे फंसे पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। 18 तारीख को शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। अरे फंसोगे तो नहीं, अरे जोर से बताओ फंसोगे तो नहीं। ये जो है उनकी हैसियत इनको बताना और कहना, हम विकास के साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हैं और हम श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं। हम जनता के लोग अपने नेताओं के साथ हैं और उनको वापस भेज दो। और इस मुन्ना लाल जी को जिनने 4.25 साल पहले विधायकी छोड़ दी, एक बार स्थान से जिता दो मेरे बहनों और भाइयों, और बता दो कि जो हमारे लिए लड़ेगा हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। बोलिए सब तैयार हो, पीछे तक बताओ सब तैयार है। तो आज संकल्प लो, आदरणीय तोमर जी और आदरणीय सिंधिया जी, मामी जी आपके सानिध्य में, सिंधिया जी ये सब संकल्प ले रहे हैं कि भारी बहुमत से मुंडा लाल और भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ भारत माता की जय बोलो। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, कोटेश्वर महादेव की, ग्वालियर की जनता की, हर हर महादेव।